एक थामसम का टीवी है जिसके अंदर ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, CV950XH_C42। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम था, इसका जो पैनल था वो पैनल फेलियर था, जो हम इसका जगह पैनल को रिप्लेस किया, लेकिन इस पैनल के अंदर जो हम रिप्लेस करने के बाद मैपिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो इस बोर्ड का हम बहुत सारा सर्विस को ट्राई किया लेकिन नहीं खुला। फिर उसके बाद हमको एक इसका सर्विस कुट का जो सॉल्यूशन मिला, मैं आपको उसको शो करता हूँ। इसका सर्विस कुट कैसे खोलना है, इसको मैंने जो पैनल था इसका रिप्लेस कर दिया। एक BOE का पैनल हम लोग यूज़ किया, इसके अंदर इससे पहले भी BOE का पैनल था। ठीक है, आप पैनल तो रिप्लेस कर दे, उसके बाद मैपिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो मैं अभी इस मैपिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस बोर्ड में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो टीवी फाइनली पैक हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हो ये थामसन का है और ये इसका ओरिजिनल रिमोट है, जो रिमोट में मैंने काफ़ी ट्राई किया था सर्विस को ओपन करने के लिए, और हमारे पास जो यूनिवर्सल रिमोट है उससे भी ट्राई किया था, लेकिन कोई भी कोड काम नहीं कर रहा था। तो हम जो मेथड अप्लाई किया आपको दिखाते हैं। MI का रिमोट ओपन करना है, जो MI का फ़ोन होता है उस फ़ोन से। अब यहाँ पे प्लस आइकन में क्लिक करना है, उसके बाद टीवी में क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रांड सर्च करेंगे वीडियोकॉन। ये वीडियोकॉन फर्स्ट में आ गया। आने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीवी इज ऑन, ऑन में क्लिक करेंगे, और तीसरा नंबर रिमोट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने से आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम बटन काम कर रहा है। ठीक है, सो इसी रिमोट से हम खोलेंगे और ये काम किया तो यस करना है। यस करने के बाद इसको हम पेयर्ड में क्लिक करेंगे और उसके बाद रिमोट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और हमको ये 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो फ्रीज का ऑप्शन है ये क्लिक करना है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये क्लिक करने से ये सर्विस रिमोट खोल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो सर्विस मेनू है यहाँ पर पूरा ओपन हो गया, और ये बोर्ड का नंबर है जो CV9950X C42। ठीक है, और इसमें जो मैपिंग का सॉल्यूशन करना है, मैपिंग का सॉल्यूशन करने के लिए आपको यहाँ पर आना है जो पैनल एडजस्ट नाम है, इधर हम आएंगे, सो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको चेंज करना है। अगर चेंज करोगे तो आपको ये मैपिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा कुछ इस टाइप का। अभी मैं फिर से इसको 1 कर देता हूँ, और उसके बाद और एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है जो पोर्ट का, अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये जो लिखा है थोड़ा सा अजीब सा रहेगा। तो आपको क्या करना है, एक्सचेंज पोर्ट को यहाँ पर वैल्यू 1 कर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कोई मैपिंग नहीं है। अगर इसके अंदर मिरर का भी प्रॉब्लम आएगा तो आप यहाँ से मिरर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, आई होप समझ में आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।